बुलंदशहर के गांव इकलेड़ी में शिमला और कर्नाटक की तर्ज पर टमाटरों का उत्पादन हो रहा है। गांव इकलेड़ी के प्रगतिशील किसान डॉक्टर फौज वीर सिंह अपने खेतों को शिमला के पहाड़ी इलाकों की तरह ढलीदार और सीढ़ी नुमा बनाकर टमाटर की खेती कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश से फसल को बचाने के लिए प्रगतिशील किसान डॉक्टर फौज वीर सिंह ने खेतों को विशेष नेट से भी कवर किया हुआ है। फसल को समय पर सिंचाई करने के लिए खेतों में ड्रिप सिस्टम भी लगा रखा है। वहीं इस नई तकनीक को अपनाकर तैयार किए गए इन खेतों में बारिश का कोई असर नहीं है। वहीं प्रगतिशील किसान डॉक्टर फौजवीर सिंह के खेतों में तैयार हुई टमाटर की फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। प्रगतिशील किसान फौजवीर सिंह ने बताया है कि टमाटर की खेती से उन्हें अच्छा लाभ अर्जित हो रहा है। नोएडा और दिल्ली की मंडियों में उनका टमाटर थोक मूल्य पर 80 से 90 प्रति किलो बिक रहा है। ये जो जैसे हम खेती कर रहे हैं इसकी टमाटर की, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है सीधी बारिश का। तो सीधी बारिश बचाने के लिए हमने नेट लगाया कि पौधे पे सीधी बूंद नहीं पड़े, तो उससे पौधा बचा रहता है। तो जब पौधा बचेगा तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा। अब जो उत्पादन होता है, ये जो जो हमारी वैरायटी बुई हुई है, इसमें लगभग 250 क्रेट, 200 से 250 क्रेट एक बीघे में निकली जाती हैं। और इस समय का जो रेट चल रहा है, जैसे मंडी में हम लेके जा रहे हैं, वो लगभग जो अच्छे क्वालिटी का है वो थोक मूल्य क्या है, थोक मूल्य में 80 रुपये में जाता है। किस जगह आप बेच रहे हैं, कौन? मैं नोएडा फेज 2 में इसको लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे हम बेच रहे हैं। इसे जो ले जाते हैं नोएडा ले जाते हैं हम। ये जो है यहाँ से किसानों को इसका अर्निंग का अच्छा स्रोत है, किसानों को, इस किसान भाई इसमें बढ़िया कमा सकते हैं इसकी खेती कर। बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा सिस्टम से, जैसे हमने नीचे भी किया, तो मल्चिंग के साथ में, ड्रिप और मल्चिंग के साथ में हम लेके चले इसे, जिससे पानी बिल्कुल सही मात्रा मिले, जो दवा नीचे हमने देनी है वो सही चली जाए ड्रिप के माध्यम से। तो इस तरीके से जब करते हैं तो अच्छा ही, पौधे को भी पूरी खुराक मिलती है और उससे पौधा भी बचा रहता और अच्छा पैदा होती है फिर उसमें। कितने दिन की फसल है ये? ये जो लेके चल रहे हैं, जो जो वैरायटी है, ये लगभग नवंबर तक ये चलने का हिसाब है इसका। जैसे हमने 1 अप्रैल में बोई थी ये, 1 से 3 अप्रैल तक बो पाए, उसके बाद में जून से हमारी इस पे पैदावार निकलनी शुरू होगी, तोड़ जो शुरू हुई थी, और ये नवंबर तक लगभग जो चलेगा, जो जानकारी में है। ये हिम गोल्ड के नाम से वैरायटी है और जो इसका फल है काफ़ी मोटा भी हो जाता है, लेकिन ऊपर की जो इसकी वो स्वाद कैसा है? स्वाद बहुत अच्छा है, काफ़ी, जहां दूसरे आप 4 टमाटर डालेंगे सब्जी में वो स्वाद दिखाई देगा, इसका एक सही स्वाद मिलता है। जो इसका बहुत ही अच्छा, और ये जो ऊपर की इतना सॉफ्ट है कि पाचन क्रिया में कोई नुकसान नहीं देता, बहुत आराम से ही पच जाता है, मुलायम है इसकी ऊपर की जो कवर है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।